नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में 8 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश में मौसम रोजाना करवटी बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आज प्रदेश के 8 जिलों में गरज के साथ कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। बाकी के जिलों में मौसम शुष्क रहने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बात करें अगर प्रदेश के तापमान की तो आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और नैनीताल में गरज के साथ कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने आज प्रदेश में क्या है डीजल पेट्रोल के दाम। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। देहरादून में पेट्रोल के दामों में 1 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दामों में 4 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में पेट्रोल के दामों में 12 और डीजल के दामों में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उधर हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 89 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 12 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 16 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 30 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 35 पैसे। डीजल के कल दाम थे 81 रुपए 43 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 57 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 33 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 56 पैसे, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बसंतोत्सव का दूसरा दिन, राजभवन देहरादून में चल रहे 2 दिवसीय बसंतोत्सव का आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है। ऐसे में आम जनता यहाँ आकर देख पुष्प प्रदर्शनी देख सकती है। लोकसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे हरिद्वार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरिद्वार पहुंचेंगे और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लेंगे। सीएम का हरिद्वार दौरा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में नेत्र कुंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे ऋषिकुल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार पहुंचेंगे। हाईकोर्ट की टीम करेगी निरीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट की एक टीम पहुंचेगी हरिद्वार, कुंभ मेले के कार्यों को लेकर निरीक्षण कर हाईकोर्ट को अपना रिपोर्ट देगी। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज गणेश जोशी मसूरी गांधी चौक पर उत्तराखंड आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की जनाक्रोश रैली। प्रदेश भाजपा सरकार के 4 साल पूरा होने से पहले कांग्रेस ने श्रीनगर में निकालेगी जनाक्रोश रैली। बीजेपी सरकार की नाकामयाबी को जनता के बीच रखेगी और जनता से सीधे संवाद स्थापित करेगी। रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व सीएम हरीश रावत और सभी कांग्रेस विधायक जुटेंगे। फूलदेई पर्व आज। पहाड़ों का लोक पर्व फूलदेई आज मनाया जा रहा है। नए साल, नई ऋतु और नए फूलों के आने का संदेशा लाने वाला ये त्योहार आज उत्तराखंड के गांवों और कस्बों में मनाया जाएगा। पूरे पहाड़ की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। आज से शुरू हुए खरमास। आज से शुरू हो रहे 1 महीने के खरमास 14 अप्रैल 2021 तक रहेगा। 1 महीने के लिए सभी तरह के शुभ और मांगलिक काम जैसे विवाह कार्य, भूमि पूजन, गृह प्रवेश आदि नहीं होंगे। बेरीनाग में बैठ की होली की धूम, होलियारों ने जमाया रंग। उत्तराखंड में कुमाऊं की बैठक होली पूरे उल्लास और परंपरा के अनुरूप मनाई जाती है। 3 माह तक चलने वाली होली की ये विधा पौष माह के प्रथम रविवार से गणपति वंदना के साथ शुरू होती है और माघ व फागुन में अपने रंग में रंग जाती है। इस अवधि में होलियार होली के परंपरागत और शास्त्रीय गीतों का को पूरे राग में गाते हैं। कार के आगे अचानक आधम की गजराज, अंदर बैठे लोगों की अटकी रही सांसें। शनिवार को भी ऋषिकेश में अचानक नीलकंठ रोड पर हाथी ने कार के आगे दस्तक दे दी। हाथी काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। इस दौरान काफी देर तक कार सवार लोगों की सांसें अटकी रही। हरिद्वार कुंभ डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, पहले शाही स्नान की समीक्षा। महाशिवरात्रि पर शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने अगले शाही स्नान के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान शाही स्नान पर पुलिस के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर विषय पर चर्चा की गई। शनिवार को आए कोरोना के 54 नए मामले, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। 2021 आते ही कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगना शुरू हो गया। उत्तराखंड में जहां पहले कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार जा रहा था, वहीं अभी आंकड़ा 100 के नीचे है। शनिवार को उत्तराखंड में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है। शनिवार को प्रदेश में 106 मरीज स्वस्थ हुए हैं। गलत दिशा से मसूरी से देहरादून की ओर आ रही कार ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, 2 घायल। देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर गलत दिशा से मसूरी से देहरादून की ओर आ रही कार ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं।
18 मार्च को बातें कम काम ज्यादा पर होने वाले कार्यक्रम रद्द आदेश जारी। उत्तराखंड में तिरथ सरकार ने भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों को विधानसभा वार मनाया जाना था और इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रखा जाना था। हरिद्वार कुंभ सरकार की SOP का विरोध जारी। साधु संतों ने CM तीरथ से की खारिज करने की मांग। साधु संत लगातार हरिद्वार कुंभ को लेकर जारी की गई SOP का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि SOP में भजन कीर्तन पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं पर भी कई तरह की पाबंदियां हैं। साधु संतों ने नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि वे जल्द इसका समाधान निकाले। ऋषिकेश स्थायी जगह की मांग को लेकर सब्जी विक्रेताओं का निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। स्थायी स्थान की मांग को लेकर फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विक्रेताओं की मांग है कि अगर निगम उन्हें जल्द स्थायी जगह मुहैया नहीं कराता तो वे अनशन शुरू करेंगे। हल्द्वानी भाजपा नेताओं में जमकर चले लात घूंसे, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में भाजपा के दो नेताओं में शनिवार को जमकर लात घूंसे चल गए, जिसके बाद यह मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष की तहरीर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अध्यापक ने छात्रा से किया दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुड़की में एक ट्यूशन टीचर द्वारा छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने तहरीर देकर पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में शुरू हुआ फूलदेई पर्व, ईश्वर को करते हैं इस तरह प्रसन्न। CM का फैसला, महाकुंभ में कोविड रिपोर्ट की बाध्यता खत्म, शंकराचार्य की मांग भी मानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कुंभ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लानी होगी। CM तीरथ सिंह रावत करेंगे नेत्र कुंभ का उद्घाटन, 75,000 श्रद्धालुओं का होगा मुफ्त इलाज। सामाजिक सेवा करने वाली संस्था सक्षम द्वारा हरिद्वार कुंभ के दौरान नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे क्षेत्र में 7 केंद्र बनाए गए। इस नेत्र कुंभ का उद्घाटन CM तीरथ सिंह रावत रविवार को करेंगे। तेज रफ्तार डंपर ने किशोर को कुचला, दर्दनाक मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कनोरा गांव के नजदीक एक तेज रफ्तार डंपर ने 14 वर्षीय किशोर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजभवन में बसंतोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की शिरकत। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार। चमोली जिले के थराली में बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाली 108 सेवा खुद बीमार चल रही है। आलम यह है कि 108 एम्बुलेंस चलते चलते अचानक बंद हो गई, जिसके बाद राह चलते लोगों की मदद से धक्का लगाकर वाहन स्टार्ट करना पड़ा। NH-58 पर आपस में टकराई कई वाहन, टला बड़ा हादसा। श्रीनगर के NH-58 पर एक बड़ा हादसा होने से टला, जहां स्वीट बैंड के पास 4 से 5 गाड़ी आपस में टकरा गई। वाहनों की स्पीड कम होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। रुड़की कार की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत, 2 घायल। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, साथ ही उसका पति और 12 साल का बेटा घायल हो गए। बागेश्वर पैर फिसलने से नेपाली मजदूर की मौत। बागेश्वर जिले के कपकोट में मोटर मार्ग निर्माण के दौरान काम कर रहे नेपाली श्रमिक की पैर फिसलने से खाई में जा गिरा, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिक्त OBC सीटों पर सामान्य छात्रों का होगा एडमिशन, HNB विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में खाली पड़े OBC आरक्षित सीट पर अब सामान्य वर्ग के छात्रों का एडमिशन होगा, जिसको लेकर विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। व्हीलचेयर क्रिकेट टीम इंडिया के ट्रायल के लिए बुलाए गए लक्सर से 3 खिलाड़ी। व्हीलचेयर क्रिकेट टीम इंडिया के ट्रायल के लिए लक्सर से 3 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। मसूरी बार्लोगंज क्षेत्र स्थित सेंट जॉर्ज स्कूल के और गोलवे कॉटेज में पूर्ण लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन घोषित। देहरादून जिलाधिकारी ने मसूरी के बार्लोगंज क्षेत्र में स्थित गोलवे कॉटेज और सेंट जॉर्ज स्कूल में पूर्ण तालाबंदी का आदेश दिया है। सभी कॉलोनी और कार्यालय बंद रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं का बंदोबस्त किया जाएगा।